आई एम मॉमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वेडनेसडे और कल के बाद मैं आज भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया है, गैप हो गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन रेगुलरिटी में मैं वीडियो डालूँ। डेली ब्लॉग की वादा मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो डाल पाऊँ। अभी ऑलरेडी 11:30 बज गए हैं, मेरी ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो हो गया था, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और अभी मुझे बनानी है लंच। और लंच के लिए आज मैं बनाऊँगी कुछ ऑथेंटिक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने बाकी सारा काम निपटा लिया है, बस मुझे अभी खाना बनाना ही है और फिर मुझे शावर लेना है। और आज का जो मौसम है ना, मतलब क्या कहूँ मैं, क्लाउडी है तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। सो आज मैं लंच के लिए बनाऊंगी चाल कुमड़ो घंटो एंड मान कोचू बाटा, एकदम ट्रेडिशनल बंगाली डिशेस हैं। सो ये है चाल कुमड़ो और एश कर्ड। एक्चुअली इसको ना मतलब काटा नहीं जाता, लड़के लोग काटते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था कल रात को ही, वो भूल गए हैं, फिर मैं भी भूल गई हूँ, इसलिए अभी इसको मुझे ही काटना होगा, क्या कर सकते हैं। और देन मैं बनाऊंगी मान कोचू बाटा। तो ये मेरी सास ने मुझे दिया था कि मान कोचू बाटा जो डिश है वो मेरी हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो उसको मैं बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ एंड इसको मैं बनाऊंगी मूंग दाल के साथ। तो मूंग दाल को मैं पहले बॉयल करने रख देती हूँ और साथ में मैं इसको काट लेती हूँ। सो दाल जो है वो बॉयल हो गई है एंड यहाँ पे मैंने काट लिया है ऐसे पतले पतले शेप में, तो इसमें मैं अभी डालने वाली हूँ। इसे हम ढक के पकाएंगे। तो इसमें हम अभी ऐड करेंगे सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, एंड 3 स्लीट ग्रीन चिलीज, एंड इसको हम कवर करके पकाएंगे एंड एकदम सॉफ्ट होने तक इसे हम पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल पक चुका है, एकदम ब्लेंड हो गया है दाल के साथ बहुत ही अच्छे से। तो अभी मुझे इसको तड़का लगानी है। सो तड़के के लिए पहले मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, सूखे लाल मिर्च, थोड़ी सी जीरा, देन हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी घिसी हुई अदरक, थोड़ी सी जीरा पाउडर, हल्दी मैंने पहले भी डाला है तो थोड़ा सा हल्दी अभी डाल रही हूँ मैं, और अभी मैं इसमें डालूँगी ये सब्जी। We'll be right back.
लास्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चीनी, बस। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। सो अभी मैं बनाऊंगी मान कोचू बाटा। तो इसके लिए मैंने मान कोचू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें इसको ब्लेंड करना है। एंड इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी मस्टर्ड, इसको मैंने धो के रखा है अच्छे से। और इसमें मैं ऐड करूंगी दो ग्रीन चिली और कुछ ये है कोकोनट्स, इसको भी हम इसके साथ ब्लेंड करने वाले हैं। तो मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। एंड ये है पेस्ट, मैंने पेस्ट कर लिया है। अभी मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। ये है पेस्ट, मैंने एक बोल में ले लिया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट स्वाद अनुसार एंड थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल। तो अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। मान कोचू बाटा इज रेडी टू ईट। सो फाइनली मेरी लंच जो है वो बन गई है। तो अभी मुझे जानी है शहर लेने। सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किया है। तो मैं क्या करती हूँ, खाना जब भी मैं बनाती हूँ साथ में मैं बर्तन वगैरह वॉश करती रहती हूँ। सो इसलिए जब मेरा कुकिंग कंप्लीट हो जाती है, मेरे बर्तन नहीं बचता है वॉश करने के लिए। तो अभी मुझे जाना है एक शार लेने। और मेरे हस्बैंड आज नहीं आएंगे लंच पे, तो उन्होंने कह दिया था कि आज वो नहीं आने वाले हैं लंच में। सो मुझे अकेले ही खाना होगा। तो पहले मैं शार लेके आती हूँ, फिर मुझे आके लंच भी करनी है। सो अभी मैं डाइनिंग टेबल पे हूँ और मुझे करनी है अभी लंच। सो ये जो मान कोचू बाटा है, इसको आप चावल के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो जो है वो मैंने एडिट कर लिया है। तो ये मैंने जो वीडियो एडिट किया है वो कल की जो इवनिंग ब्लॉग मैंने बनाई थी। उस वीडियो को मैंने फाइनली एडिट कर लिया है और मैंने उसको सेव करके फिर अपलोडिंग पे बिठाया है। वो ऑलरेडी मैंने पब्लिश भी कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द वीडियो, मैंने अभी पब्लिश किया है इसको। और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-15 मिनट हुआ है मैंने वीडियो पब्लिश किया है और ऑलरेडी 100 व्यूज़ जो है वो हो गए हैं। इस मंथ मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किया है। दूसरे मंथ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इस मंथ में मैंने बहुत ही कम वीडियोस अपलोड किया है, लेकिन जो भी वीडियोस मैंने अपलोड की है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिली है मुझे सारे वीडियोज़ में। बहुत ही अच्छा व्यूज़ भी आ रहे हैं। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और बहुत जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं मेरे चैनल पे। तो आई एम हैप्पी। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स मैं अचीव कर लूँ। तो अभी ऑलरेडी 9 बज गए हैं, मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरा तो दिन ऐसे ही गुजर जाता है, अगर मैं घर पे रहूँ पूरा दिन मेरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बस घर का काम वगैरह करके जितना भी टाइम बचता है मैं यूट्यूब पे देती हूँ, तो ऐसे ही मेरा टाइम गुजर जाता है। अभी मुझे जानी है डिनर बनाने। हाय गाइस,
सो टुडे इज द नेक्स्ट डे. तो कल उसके बाद मैंने फिर शूट नहीं किया था और आज मैं फिर से शूट कर रही हूँ. और आज मुझे आपसे कुछ कहना है. एक्चुअली अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने रिलायंस ट्रेंड से शॉपिंग की थी. यहाँ पे एक नया सा स्टोर खुला है तो उससे मैंने शॉपिंग किया था. तो वहाँ पे मुझे कुछ डिस्काउंट कूपन्स मिले, कुछ ऑनलाइन के एंड कुछ ऑफलाइन के. तो ऑफलाइन जो कूपन्स है मैं उसे ऑफकोर्स यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन कूपन है ये तो इसको मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ. तो मैंने सोचा कि इस कूपन को वेस्ट करने के वजह से बेटर होगा अगर मैं इसको आपको ऑफर करूं. अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो reliancetrends.com से शॉपिंग करने के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. सो ये कूपन जो है वो 1000 रुपीज़ की ऑफ है. तो आपको क्या करना है, आपको 2499 रुपीज़ या उससे भी ज़्यादा प्राइस के शॉपिंग करनी है reliancetrends.com से, तो ही आप ये कूपन यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ ऑफ. मीन्स आपको 2500 या 2500 से ज़्यादा रुपीज़ की शॉपिंग करनी है तो आपको 1000 रुपीज़ की छूट मिलने वाली है. एंड ये जो कूपन कोड आप रिडीम कर सकते हैं 1 सितंबर से 16 सितंबर तक. तो 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के बीच में ही आपको शॉपिंग करनी है. तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये कूपन कोड देने वाली हूँ. अगर एक से ज़्यादा लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं रैंडमली सिलेक्ट करूँगी. अगर आप चाहते हो इस कूपन को यूज़ करना तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको ये कूपन देते हुए. और मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ. और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 150 लाइक कीजिए. और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.